अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अस्मा किचन। मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं अस्मा किचन यूट्यूब चैनल। तो आज हमने बनाया है मशहूर राजस्थानी अचारी प्याज। मैंने आप सबको अचार चिकन की रेसिपी बनाना सिखाई थी, वो भी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। और आप सबने अचारी गोश्त भी खाया होगा। तो आज मैं आपको अचारी प्याज की रेसिपी बनाना सिखाती हूँ। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे, छोटे प्याज डालेंगे क्योंकि छोटे प्याज मीठे होते हैं। बड़े प्याज डालेंगे तो सालन कड़वा हो जाएगा। अब इसे 5 मिनट भूनेंगे, थोड़ा सा इसे हिलाएंगे और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, कवर को उतार देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में सारे मसाले डालकर भून लेंगे, जैसा कि 1 टीस्पून कलवंजी डालेंगे, 1 टीस्पून साबुत जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, 1 टीस्पून साबुत सौंफ डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर चॉप्ड ग्रीन चिली डालेंगे, इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके अंदर एक चॉप प्याज डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर ये मसाला डालेंगे। आइए आपको सिखाते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर डालेंगे, छोटा गिलास पानी का डालेंगे और इसे मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर ये मसाला डालेंगे और आप मेरी रेसिपी घर पर जरूर ट्राई किया करें और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके अंदर डालेंगे 1 कप इमली का पानी, जितनी खटास आपको चाहिए होगी उतना ही डालें। ये मिक्स हो चुका है। अब जो अनियन हमने पहले फ्राई किया था वो इसके अंदर डालेंगे। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप उसकी जगह पर कच्ची कैरी भी डाल सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन सबको मिक्स करके 10 मिनट दम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब कवर को उतार देंगे। इसके ऊपर धनिया डालेंगे, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा अचारी प्याज रेडी हो चुका है, अब इसे डिश आउट कर लेंगे। आज की बेहतरीन रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।